मतलब एक फीकी मट्टी और एक मीठी मट्टी, बराबर ना? मैं तीखी मट्टी हूँ। अब खाली वेट हो रहा है कि भाई चांद देवता अपना चेहरा दिखाएं। चांद का कोई नामो निशान नहीं है, आपको मैं आसमान दिखा रहा हूँ, इतना काला आसमान कभी नहीं देखा है। How is it? You wanna be a pilot? सुबह सुबह 7:30 बजे देखो इतना हैवी मील भाई। ये सबसे पहले तो दो आलू पराठा दोनों दो आलू पराठा, यहाँ पर है सूत फेनी, यहाँ पर है एलमंड्स, एंड यहाँ पर आंचल के लिए सेम चाय। ओह मेरा प्रोटीन शेक मिसिंग है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, एंड आप सभी लोगों को हैप्पी सरगी, हैप्पी करवा चौथ। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन, प्यार वाला दिन होता है, तो भाई बीवी के लिए थोड़ा सा, वैसे टाइम बहुत कम है, 7:40 का सनराइज है, तो हम लोग पहले खा लेते हैं, 39 पहले खा लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। चलो बाय बाय। ओके बाय। भाई क्या खाया है यार, मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया। मेरे को पता नहीं कितने सालों बाद मैंने ना आलू पराठे खाए थे। आंचल ने कल मेरे को पूछा कि क्या खाएगा इसके लिए, मैंने बोला रात को क्या कल क्या बनाऊं, तो उसने बोला कि एक आलू का और एक पनीर का पराठा बता दो चलेगा। तो मैंने बोला यार इस बार अगर मुझे मौका मिला, इसने आलू पराठे के लिए हाँ बोली है, तो भाई मैं आलू ही खिलाऊंगी दोनों, पनीर तो फिर भी खा देता भाई, भाई आलू पराठा आई थिंक पिछले जन्म में खाया था। I don't know, सच में मेरे को पता नहीं, याद ही नहीं है मैंने कितने साल पहले आलू पराठा खाया था। ओहो भाई ऐसे मतलब लिटरली ऐसे उंगलियां चाट रहा था, मतलब इतना टेस्टी बना था, और वो मजा अलग आता है यार, आलू पराठे की बात ही अलग होती है। बट अभी तो एकदम टमी फुल, और अभी का टाइम क्या हुआ है, अभी 7:37, तो मतलब अपने पास और 2 मिनट और है, मेरे को पानी पीना है। मेरे को ना मेन प्रॉब्लम होता है पानी से, पानी पीना है मेरे को। और यहाँ पे ना हम लोग अभी, आंचल मेरे को पूछ रही थी कि तो कोई याद है लास्ट ईयर हमने क्या खाया था, तो हमने ना अपना लास्ट ईयर का व्लॉग चला के यहाँ पर, ये लास्ट ईयर का व्लॉग चला के देख रहे थे हम लोग कि क्या खाया था, और हमने देखा क्या क्या खाया था हमने, पनीर पराठा खाया था, चाय, हाँ सेम ही चीज था प्रोडी मच। तो यार बट आप लोग, आई एम श्योर देखो आप लोग भी सेलिब्रेट कर रहे होगे, सो आप सभी लोगों को भी वंस अगेन हैप्पी करवा चौथ। आज का दिन भाई बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आई अंडरस्टैंड द पेन दैट यू गाइस आर गोना गो थ्रू। पेन नहीं बोलूंगा, मतलब वो जो जब कोई चीज मना करते हैं ना, तो वो करने का और मन करता है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है, आपके अगर ध्यान में नहीं रहेगा ना, आपको चलता रहेगा। वैसे मैं पूरा पूरा, मैं बहुत बड़ी पानी की चोर हूं, वैसे मैं पूरा दिन पानी नहीं पीऊंगी ना, आई एम रियली कूल, बट जब आज पता है ना, तो इतनी प्यास लगने वाली है कि भाई वो मेरा गला ही सूख जा रहा है, तो पानी पी लो। मैं पानी पी लेता हूं, टाइम में तो टाइम चला जाएगा। हाँ भाई 7:40 हो गया, और 7:40 का सनराइज टाइम था, अब से हो गया दिन शुरू, चांद आ गया है। देखो ऊपर चांद ऑलरेडी, ये रहा चांद ऑलरेडी दिख रहा है। मैं बोल रही हूँ ऐसा ना लगे कि सुबह का तड़के तड़के दिखाई थी, अभी पूजा दिखा रहे लोग, सुबह का ही चांद है अभी तक हमारे यहाँ, प्राइस होने वाला। हाँ हाँ उस तरफ से हो रहा है, ईस्ट हमारा, हमारे घर के लिए ईस्ट उस तरफ है ना, अपना ईस्ट ईस्ट फेसिंग है ना, तो इसीलिए सनराइज वहाँ से होगा। बट यहाँ पे हमारा चांद ऑलरेडी है, प्रकाश रात को भी ऐसे जल्दी दिख जाए चांद। अभी जितना सुबह दिख रहा है, अभी दर्शन करूं, रात को वेट करूंगा। सुबह सुबह वापस ठंडा होने लग गया है ना, सुबह काफी ठंडा होने लग गया। अभी क्या टेम्परेचर है पता है, 8 डिग्री दिखा रहा है, हाँ फील लाइक भी 8 डिग्री, नहीं फील लाइक 9 दिखा रहा है, देखो यहाँ पे +9 दिखा रहा है, फील लाइक तो बढ़िया है। वो इतना हैवी खाना वाना खाने के बाद क्या नींद आई है भाई साहब, मस्त सो गए हम लोग 1-1.5 घंटा। मौसम आज का तो बहुत ही प्यारा है, इट्स एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट वेदर्स, बिलीव नहीं होता है भाई अक्टूबर के एंड में इतना अच्छा वेदर है। तो मैंने सोचा चलो यार एक काम करते हैं, बाइक पे मस्त ग्राउंड मार के आते हैं। अब आई नो इसके पहले क्या बोलो कि भाई तू कैसा इंसान है यार, तू बीवी फास्ट कर रही है और तू जा रहा है घूमने के लिए। यार मैंने बीवी को बोला है और उसको कन्विंस कर लिया है, एंड एट द सेम टाइम मैं भी तो कर रहा हूँ ना फास्ट यार, कोई बात नहीं यार। और देखो ऐसे दिन ना बहुत कम मिलते हैं यार हम लोगों को, अक्टूबर के एंड में अगर इतना अच्छा वेदर मिल रहा है, तो देन लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट यार, लेट्स नॉट सिट एट होम एंड वेस्ट इट राइट। तो इसीलिए अभी मैं रेडी हो गया हूँ मस्त, अभी बाइक पे निकल रहा हूँ। प्लान तो था मेरा थोड़ा बहुत व्लॉग करने का भी, लेकिन व्लॉग नहीं हो पाएगा क्योंकि जो मेरा जो कैमरा है ना, जहाँ माउंट होता है आगे हेलमेट पे, उसमें एक स्क्रू जाता है, उस स्क्रू मेरे को मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंने। तो इसीलिए मैंने कहा छोड़ो यार, ओकविल में जहाँ मैं हमेशा राइड करता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे बाइकर्स आने वाले हैं, वहाँ से हम लोग जाएंगे नायग्रा ऑन द लेक। मैं तो वापस सो गई थी सर्दी वर्गी करने के बाद, आधा पौना घंटा सोई होंगी,
फिर आवाज आ गई ओमकार की उठने की, क्योंकि उसको जाना था बाइक राइड पे. सो एज यू नो ही इज गॉन फॉर अ बाइक राइड. अभी बस बच्चों के लिए नाश्ता बनाया है, इन्होंने नाश्ता किया है. इनका संडे है तो आज पैनकेक था. तो ये टिक्की टिक्की, व्हाट डिड यू ईट टुडे? पैनकेक. टू टू व्हाट यू ईट? पैनकेक कुछ फिल्म बनाना. यस. तो इन लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है. आई जस्ट रियलाइज एंड आई कॉल्ड ओमकार टू टेल हिम. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि संडे को टीथ का जिम क्लास होता है, जिम होता है मतलब, और वो अभी आज भी मिस हो गया. तो कंटिन्यूअसली थर्ड वीक इन अ रो इसका मिस हो गया है. एंड आई डोंट नो व्हाई दिया, हम लोग सिर्फ पे कर रहे हैं और वेस्ट हो रहा है क्योंकि हम यूज कर नहीं रहे हैं. अभी तक टोटल उसके 6 या 7 क्लास हुए हैं, उसमें से 3 क्लास में वो गया है और बाकी उसने मिस किए हैं. तो आई थिंक अभी मुझे एक अलार्म या रिमाइंडर ही रखना पड़ेगा कि इसका क्लास है और संडे डेलीजेंटली उठ के इसको लेके जाना पड़ेगा. क्योंकि कुछ ना कुछ आ जाता है, संडे ना वीकेंड होता है तो हम लोग सोचते हैं यार अपने में बिजी होते हैं, कुछ ना कुछ अपने प्लान में होते हैं तो याद नहीं रहता. टूटू का मंडे होता है तो उसका याद रहता है कि मंडे को उसका क्लास है, तो उसका मिस नहीं होता. बट इसका एवरी संडे मिस हो रहा है. तो अभी मैं जस्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस मैं आई विल मेक अ बिग शोर मैं अपने फोन में रिमाइंडर लगाऊं कि एवरी संडे को उसको लेके जाना है. एंड द फाइनल राइड इज डन. भाई क्या मजा आया राइड करने में. 3 घंटे की राइड की मैंने, सुबह 10 बजे निकला था. हाँ मैं जैसे आया हूँ ना घर पे, ये लड़का मेरे को आके बोलता है माय पापा टिक्की टिक्की माय पापा कम गिव मी हग. अभी अभी क्या चाहिए उसको? व्हाइट अमाई. अरे नहीं, कोई ग्लास वाल में व्हाइट अमाई नहीं मिलेगा. तो भाई बहुत बढ़िया था, 3 घंटे की राइड की मैंने, सुबह 10 बजे निकल गया था एंड 1 बजे के आसपास अभी कितना 1 सवा 1 हुआ है ना, 3 सवा 3 घंटा मस्त राइड किया, मजा आया. 5-6 लोग थे बाइकर्स. सबसे पहले मैं यहाँ से गया वो मीटअप पॉइंट पर, जैसे आपको बताया मैंने ओकवेल, वहां पर ऐसे मस्त 5-6 बाइक्स ऐसे लाइन से खड़ी थी. क्या मजा आ रहा था पता है देखने के लिए, हर एक बाइक को ऐसे निहारने में. वो किया खड़े रह के बातें बातें की, टाइम पास किया, कार्डोस पैर किए. वहां से निकले हम लोग नायग्रा ऑन द लेक जाने के लिए. इनका तो था ना पूरे दिन भर का प्लान था. मैंने बोल दिया था उनको ऑलरेडी कल ही कि भाई मैं पूरा दिन राइड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 2-3 घंटा राइड करूंगा और मैं रिटर्न आ जाऊंगा. सो हम एक कोई लेक था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कहाँ था, बट वहां तक मैंने साथ में राइड किया जो अपेरेंटली मेरे घर के 1/2 घंटे की दूरी पे था खाली. तो आई वॉज इन एंड अराउंड ये हैमिल्टन. तुमको पता है मैं पूरा टाइम इसी एरिया के आसपास ही था खाली. आ गया आ गया चलो दुबई में चांद आ गया. अच्छा उसका कॉल आ गया था क्योंकि वो लोग भी ऑफकोर्स फास्ट रख रहे हैं और वो बोलती है भाई अचल ने फास्ट रखा तो आज के दिन टेस्ट करने चले जाओ तुम बाहर. नहीं लेकिन बहुत बहुत बढ़िया है. लेकिन एक चीज है यार, जैसे घर पे आया ना मैं, मेरे को ऐसा लगा भाई एक ग्लास कोई पानी पिला दे बस खाली. आंचल तुम्हारा क्या हाल है? मेरे को तो प्यास बहुत लग रही है. अब मुझे ना वैसे नहीं पूछो कोई पानी नहीं, मेरे को फर्क पड़ता आज ऐसे लगा, आज तो बहुत पानी पीना है. आज मुझे लगा पानी पी लूं और सूखा पड़ा है गला. वो उसको पता नहीं क्या चाहिए, क्यों चिल्लम चिल्ली कर रहा है. क्या बोल रहे फास्टर फास्टर टिकी वॉन्ट फास्टर फास्टर. देखो यार हम लोग अच्छे पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि भाई मैं अकेला गया घूमने, बच्चों को भी ले आया. देखो मैं माने क्योंकि यार बहुत कम दिन बचे हैं तो ऑफकोर्स कम दिन क्या बस हो गया ना, अभी अगले वीकेंड से ये बोनस है. जो है ये बोनस मिल रहा है ना, खत्म है वैसे ये बोनस है. True, तो हम लोग ले आए बच्चों को पार्क में थोड़ी देर खेलने के लिए. एनीवेज घर पे बैठे थे ना तो पूरा टाइम दिमाग में पता है क्या चल रहा है, भूख क्या खाए क्या खाए, पानी कैसे पिए, मतलब वो पूरा टाइम दिमाग में वही चल रहा है. अरे टूटू टूटू कहाँ गई? टूटू टूटू कहाँ है भाई? देखो टूटू कहाँ दिख रही है आपको? टूटू यहाँ तो नहीं दिख रही है. ये रही टूटू. अब चढ़ गए ऊपर. अरे बाप रे. नहीं बच्चे हमें मस्त मस्ती कर रहे हैं, फुल धमाल कर रहे हैं ये लोग. और वैसे मेरे को एक्सपेक्टेड था कि आज पार्क में बहुत सारे लोग होंगे, पता नहीं क्यों लोग हैं नहीं. एक फैमिली थी वो लोग पिकनिक कर रहे थे, वो लोग चले गए. एक दूसरी फैमिली आई वो लोग बैठे थोड़ी देर, अब वो लोग भी जाने लगे हैं, हम लोग तो खेल ही रहे हैं. पर मेरे को एक्सपेक्ट किया था कि और बच्चे होंगे या शायद शाम को आएंगे आज, और शाम को थोड़ा अभी 1-2 घंटे में आ जाएंगे. 4:15 हुआ है. हाँ. I think 4:15 तक आना शुरू हो जाएंगे और फिर 6:30-7 बजे तक खेलेंगे आराम से. नहीं बट फिर ठंडा होना शुरू हो जाएगा ना. हाँ, राइट राइट. तो नहीं बस हम लोग तो यार अब आधा घंटा खेलेंगे और यहाँ पे हम लोग मतलब बच्चे लोग आज तो हम सनसेट का ही वेट कर रहे हैं. हम बस वेट कर रहे भाई सनसेट हो, चांद आए और हम कुछ खाएं. यार बहुत भूख लगी है सच में. ये देखो ये टूटू कैसे उल्टा लटक गई है. अरे बाप रे बाप. ये देखो आंचल क्या पैदा किया है भाई तुमने दोनों को खा के. भाई मेरे से नहीं आया, ये तो तुमसे आया. मेरे से कैसे आया यार? बड़ी माय मम्मा जल्दी
मैं बहुत ही शान से एकदम अपने घर के अंदर खेलने वाली गुड्डा गुड्डी से खेलती थी, ये सब खुराफात नहीं थी मेरे अंदर। ये उल्टा लटक रही है, वो ऊपर लटक रहे हैं, घर क्या रहे बच्चे all भाई? तुम्हारी थाली और क्या मस्त लग रहे हो तुम, मैं कंफ्यूज हूँ। थाली अच्छी लग रही है कि तुम अच्छे लग रहे हो? खैर दोनों ही अच्छे लग रहे हो। तो बताओ भाई क्या बनाया तुमने ये? हाँ, वेरी 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 हैप्पी करवा चौथ। ये अभी हम जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, तो ये थाली है मेरी, ये आप लोगों को पता ही होगा वैसे तो। ये थाली ऐसे सजाते हैं, इसमें मैंने पानी लिया है लोटे में, और यहाँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये आटे का दिया है, इसमें एक सिंदूर और चावल है, और एक फीकी मट्टी है और एक मीठी मट्टी है। मतलब एक फीकी मट्टी और एक मीठी मट्टी, बराबर ना? मैं तीखी मट्टी हूँ। नहीं बहुत बढ़िया है, रेडी वेडी हो गए बच्चों को, मस्त पार्क वार्क से लेके आके। तीर तो मस्त सो गया था, अरे कितना, 2 घंटा सोया ना वो? अरे बहुत सो रहा था, अब मुझे पंगा ही लग रहा है, रात को जल्दी नहीं सोएगा वो। और कल मंडे है, कल भाई ऑफिस के लिए सुबह टाइम पे उठना है। बट एनीवेज यस, सब रेडी हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में कथा करने के लिए, जो बिल्कुल पास वाला मंदिर जहाँ आप लोग भी चले थे पिछले बार जब हम लोग गए थे। कौन से दिन पे गए थे हम लोग? अष्टमी। अष्टमी के दिन पे गए थे, तो बस वही मंदिर जा रहे हैं। चले भागे, कपड़े लेके। जय गणेश देवता और बुद्धि देवी की पूजा, 100 साल के दुख में पल में दूर करें। बोल गौरी गणेश भगवान की जय। करवा चौथ का व्रत आया, पीरा ने बड़े शौक से चाव से उस व्रत, चलो समय आया, सूर्य अस्त हुआ, लेकिन चंद्रमा निकलने को नामे नहीं दे रहा था। पीरो को भी कर्म बड़ा ले, कर्म बड़ा मत कहिए, जीवन घर चलिए। तो कैसी रही तुम्हारी पूजा? पूजा फर्स्ट क्लास हो गई, बहुत अच्छा लगा। अब खाली वेट हो रहा है कि भाई चांद देवता अपना चेहरा दिखाएं तो हम कुछ खाएं। आई नो राइट, भाई चांद का कोई नामो निशान नहीं है, ये आपको मैं आसमान दिखा रहा हूँ, इतना काला आसमान कभी नहीं देखा है। लगाना ही पड़ता है, गाना लगाना, चांद छुपा बादल में, कौन सा है ना। चलो बैठो गाड़ी में, चले घर चले। बट लेकिन बहुत बढ़िया था यार ये मंदिर का ना, अच्छा लगा ना तुमको? इट वाज प्रीटी नाइस हाउ दे आर, पूरी स्टोरी सुनाई इन सब किया, तो बहुत अच्छा था। वैसे हुई अच्छे से, लाइक मिक्स, मतलब आप सबके हम बैठ के करते हो, थाली वाली पूरा मनसाते हो, तो अच्छा लगता है ना। करेक्ट, लाइक यू फील द फेस्टिवल कंप्लीट हुआ। ट्रू ट्रू ट्रू। भाई चांद कहां दिख गया हमको? अचल मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखो तुम, चांद दिख गया भाई, चांद देखो, चांद नजर आया। बताओ हम गाड़ी में जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं अभी आपको बताते हैं, बट ये चांद देख लो भैया आ गए। क्या हाल है सर जी? फर्स्ट क्लास एकदम एकदम एकदम। हाई डिक्की, देखो दिख गया चांद, तुम लोग को दिखा कि नहीं दिखा मेरे को नहीं पता। क्या हाल है? बस बढ़िया, कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। क्या हाल है? हेलो, अरे मिलने तो दो भाई, हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ। यहाँ पता नहीं यार, देखो हम लोग को दिख ही नहीं रहा यहाँ पे चांद यार, अभी आज वो आ गया क्या, किधर है वो चांद है कि लाइट है वो? अच्छा हाँ, वो पीछे पीछे, वो बिल्डिंग के पीछे आ रहा है, वो बिल्डिंग के पीछे, वो रहा आएगा, ऊपर आ रहा है। हम लोग को हाईवे पे तो बिल्कुल क्लियर दिख गया। वेरी नाइस, उसने लिखा आई लव यू, वेरी नाइस मून, हम भी बोलते हैं भैया वेरी नाइस मून। आचल आर यू ऑल्सो सेइंग वेरी नाइस मून? आ गया टाइम पे, बिल्कुल हो गया, थैंकफुल टू मून, मस्त हुआ ना एकदम, बहुत अच्छा हुआ। चलो भाई हो गया अच्छे से, बहुत बढ़िया तरह से हुआ, और अभी जाएंगे हम लोग खाना खाने के लिए। एंड यही था कि हम लोग कहाँ आ रहे, जो मैंने आपको बताया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी में से तो हमको चांद दिख गया था, लेकिन हमने पूजा क्यों नहीं की, क्योंकि हमने करनी थी पूजा साथ में मिलके। तो रुचिन निशिता धीरज ऐश्वर्या, हमारा प्लान बना इनके साथ सेलिब्रेट करने का ये फंक्शन, तो हमने कहा फंक्शन नहीं ना, क्या फेस्टिवल, मैं सुबह से फंक्शन कर रहा हूँ, तो ये सेलिब्रेट साथ में करने का प्लान बना, तो इसीलिए हम लोग आ गए यहाँ पे। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। वैसे तो हम लोग खाते हैं कड़ी चावल, है ना आंचल, तुमको कड़ी चावल मिस नहीं होने वाले? कड़ी, पकोड़ा कड़ी, लेकिन आज कड़ी चावल नहीं खाएंगे, आज हम लोग कुछ खाएंगे अलग, हमने सोचा कुछ अलग करते हैं ट्राई, आज खाना है तो कुछ और खाएंगे। करेक्ट, तो आज वो कुछ नया ट्राई करेंगे। अभी जाएंगे हम लोग रेस्टोरेंट, यहाँ पे बिल्कुल घर के पास ही एक है कॉल्ड अवनी रेस्टोरेंट है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे चाइनीज वाइनीज खाने का मन है या क्या खाते हैं देखो सब लोग, मिलता है देखते हैं। बट वेरी एक्साइटेड, एंड भाई बहुत जोरदार भूख लगी है,
है ना। चलो खींचो अभी गाइस, खींचो अभी, बातें कम और खाना, पहले खाना खाने पे ध्यान। हाँ, हाँ। ये आ गया अपनी रेस्टोरेंट, ज्यादा दूर था नहीं, सिर्फ 5 मिनट है धीरज के घर से, तो हमने कहा चलो बढ़िया है। और ये यहाँ पर नया खुला है वैसे, ये अवनी रेस्टोरेंट जो है वो मिसिसागा में भी है और ब्रैम्पटन में भी है और काफी अच्छे रिव्यूज है, 2000 रिव्यूज है। बर्लिंगटन में अभी खुला है, तो हमने कहा चलो ये ट्राई करके देखते हैं। And that's the end of the करवा चौथ। भाई इतना भूखा ऐसा लगता है मैं कभी रहा नहीं हूँ, बट एक दिन साल में कोई बात नहीं, रख लेते हैं यार फास्ट। इतना खाना खाया है, कैसा रहा भाई तुम्हारा? मैं तो स्टार्टिंग में ही लाइक सूप पिया था, और वो क्या है था, कॉर्न वाला वो अच्छा था। हाँ, काफी खाना बहुत बढ़िया था, मेरा पेट भर गया था, बट आई वाज लाइक मुझे ट्राई तो करना था सब कुछ, तो एंड आई लव द चाइनीज इज अमेजिंग। मतलब हमने स्टार्टिंग में पहले क्या मंगाया, पहले वो कुछ समोसा था, उसके बाद में फिर हमने मंगाया कॉर्न था, वो मंगाया, सूप पिया, उसके बाद फिर हमने मेन कोर्स में चाइनीज मंगाया, फिर उसके हमने रोटी सब्जी थी, को मलाई कोफ्ता था, बहुत कुछ मंगाया। तो होता है ना यार, मतलब इतने पूरे दिन भर कुछ मत खाओ और उसके बाद अचानक से कुछ खाओ तो नहीं हो पाता, खाना तो होता भी नहीं है, बट आपका मन होता है कि ये भी मंगा लो, वो भी मंगा लो, एंड प्लस 3 फैमिलीज थे तो थोड़ा ये हो जाता है कि लाइक ऑफकोर्स वैरायटी ज्यादा आती है, एंड बट वी एंजॉयड, अच्छा लगा। बट नहीं, चलो बढ़िया है, ठीक है। तो भाई अभी आज की वीडियो को यहीं करते हैं, ऑलमोस्ट 11 बज गया, तो आज की वीडियो को यहीं करते हैं एंड। 11 बज गया, अच्छा पूरा ही 11 बज गया, चलो तो आज की वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर करिए आप अपने किसी भी एक फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ। कुछ भी क्वेश्चन हो या कुछ अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो तो कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड Stay face. देखो पीछे बैठा हुआ है, ठीक है, stay face. नहीं बोलेगा, हटा दूंगा मैं कैमरा, फिर गेट अप नहीं, ऐसे ही करो stay face. ऐसा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा उसको, वो ऐसा करना होगा ना, stay face. चलो stay face.